सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड माय स्ट्रेंज अपडेट के एपिसोड नंबर 81 में आप सभी का स्वागत है, जिधर हम लोग बात करते हैं जो भाई मस्त अपडेट्स निकल कर आती हैं मूवीज एंड सीरीज की। एंड इस बार भी बहुत ज्यादा धमाकेदार अपडेट्स हाथ लगी हैं, तो उन सब के लिए वीडियो को एंड तक देखना। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बात करें अपडेट नंबर 1 की, तो निकल कर आ रही है भाई टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के ऊपर। एंड इसको सुनने के बाद जितने भी भाई टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के फैंस हैं वो लोग खुश होने वाले हैं, क्योंकि करंटली जो रिपोर्ट्स प्लस रूमर्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग जो हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत टॉम हॉलैंड के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू हो जाएगा, तो फाइनली उसकी कंफर्मेशन हो रही है। बताया जा रहा है कि टॉम हॉलैंड ने जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो सोनी एंड मार्वल के साथ साइन कर लिया है, जिसके अंदर आप लोगों को मल्टीपल उनकी सेपरेट मूवीज तो देखने को मिलेंगी, लेकिन इसी के साथ ही जो आने वाली एवेंजर्स मूवीज हैं उसके अंदर भी टॉम हॉलैंड का नाम सामने निकल कर आया है। बताया जा रहा है कि आप लोगों को टोटल 6 प्रोजेक्ट्स में टॉम हॉलैंड देखने को मिलेंगे। एंड बताया जा रहा है कि 2026 तक आप लोगों को मार्वल एंड सोनी के अंदर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से किसी भी एक्टर के लिए काफी लंबा रन है इस नए फेज में। आप लोग बताना आप लोग कितने ज्यादा खुश हो कि आप लोगों को टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है उसका रिटर्न फिर से एमसीयू के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी के साथ ही आप लोगों की जो खुशी है वो ये सुनकर भी डबल हो जाएगी कि मैंने आप लोगों को पास्ट में बताया था कि आप लोगों को तीनों स्पाइडरमैन का जो ट्रायल है वो फिर से देखने को मिल सकता है, तो उसकी भी कंफर्मेशन हो रही है कि आप लोगों को जो एवेंजर्स वाली मूवीज देखने को मिलेंगी उसके अंदर चांसेस रहेंगे कि आप लोगों को तीनों स्पाइडरमैन फिर से एक साथ देखने को मिल जाए। हालांकि अब इसकी और ज्यादा कंफर्मेशन होनी बाकी है, तो आगे इसके ऊपर जो मेरे को नई अपडेट्स मिलेंगी मैं आप लोगों को जो इन्फॉर्म कर दूंगा। सो बात करें अपडेट नंबर 2 की, तो निकल कर आ रही है भाई डार्क सीरीज के फैंस लोग के लिए। आप लोग को पता है भाई इंडिया के अंदर काफी ज्यादा बड़ा नंबर है जो कि इस सीरीज को हिंदी में देखना चाहता है, तभी रिसेंटली जब 1899 के ट्रेलर को हिंदी में रिलीज करा गया तो उसके कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बहुत सी ऑडियंस देखने को मिली। इनफैक्ट आप लोगों को थाउजेंड्स में नंबर देखने को मिला था जहां पे लोग डार्क के हिंदी डब की डिमांड कर रहे थे। एंड यहां से अभी रूमर्स ऐसे हैं कि आप लोग को शायद 1899 सीरीज रिलीज होने के बाद नेटफ्लिक्स की तरफ से कोई अपडेट सुनने को मिल सकती है। अब अगर इस सीरीज के बाद भी नेटफ्लिक्स डार्क के हिंदी डब के लिए अपडेट नहीं देता है देन आप लोग मान के चलना कि आप लोग को इन फ्यूचर अब कभी भी डार्क हिंदी में देखने को नहीं मिलेगी। ऑल्दो अभी 50-50 चांसेस हैं, तो अब देखते हैं भाई जो जनता की डिमांड है उसको नेटफ्लिक्स सुनता है या फिर नहीं सुनता है, बिकॉज पास में काफी सारे ऐसे शोज हैं जिनको हिंदी डब इसी वजह से करा गया था क्योंकि ऑडियंस की डिमांड थी। तो अब देखते हैं डार्क के साथ ऐसा होता है या फिर नहीं होता है। प्लस भाई इसी के साथ ही काफी सारे ऐसे शोज हैं जो आप लोग को अभी इंडिया के अंदर हिंदी में तो देखने को नहीं मिलते हैं बट उनकी हिंदी में डिमांड काफी ज्यादा है। सो मैं सोच रहा था कि एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसके अंदर उन्हीं सारे शोज को इंक्लूड करूं, तो अगर आप लोग को वो वीडियो चाहिए देन आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स को जरूर मेंशन कर देना। सो बात करें अपडेट नंबर 3 की, तो निकल कर आ रही है डेडपूल मूवी के थर्ड पार्ट को लेकर। आप लोगों को बताया कि भाई अभी रिसेंटली डेडपूल 3 मूवी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी, देन हम लोग को ये पता चला कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को ह्यूज जैकमैन का जो वुल्वरीन है उसका भी रिटर्न देखने को मिलेगा। फैंस लोग ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे, बट अभी जो अपडेट्स आई हैं उनको सुनने के बाद आप लोग और भी ज्यादा खुश हो जाओगे, बिकॉज अब इसकी जो शूटिंग की अपडेट है वो सामने निकल कर आ चुकी है। बताया जा रहा है कि आप लोग को नेक्स्ट ईयर समर 2023 से इस मूवी का जो शूटिंग का वर्क है वो देखने को मिल जाएगा, एंड ये मूवी आप लोग को नवंबर 2024 में देखने को मिलेगी। हालांकि अभी मूवी को रिलीज होने में काफी ज्यादा टाइम है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप लोग को इसका जो प्रोडक्शन का वर्क है वो 2023 से ही देखने को मिल जाएगा। सो आप लोग बताना मुझे कितने लोग डेडपूल मूवी के थर्ड पार्ट का वेट कर रहे हो। सो बात करें अपडेट नंबर 4 की, तो निकल कर आ रही है भाई मनी हाइस्ट कोरिया जॉइंट इकोनॉमिक एरिया के सेकंड पार्ट को लेकर। आप लोग बताया कि इसका पार्ट 1 रिलीज करा गया था, हालांकि भाई कुछ ऑडियंस को इसका पार्ट 1 पसंद नहीं आया था, बट कुछ ऑडियंस है जो कि इसके पार्ट 2 का वेट कर रही थी। तो आप लोग के लिए अच्छी खबर है कि आप लोग को जिसका पार्ट 2 है वो 9 दिसंबर को देखने को मिलेगा नेटफ्लिक्स के ऊपर, एंड इसको हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज करा जाएगा। सो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोग को मनी हाइस्ट कोरिया का पहला पार्ट कैसा लगा था। सो बात करें अपडेट नंबर 5 की, तो निकल कर आ रही भाई शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स मूवी की तरफ से। आप लोगों को पता है कि भाई इस मूवी को इसी साल रिलीज होना था बट उसकी रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया था, एंड अभी इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन भी हो चुकी है कि आप लोगों को जो मूवी है 17 मार्च 2023 को देखने को मिलेगी, एंड अब इसकी रिलीज को चेंज नहीं करा जाएगा, ये चीज कंफर्म हो चुकी है। बट अभी वार्नर ब्रोस का कोई भरोसा तो नहीं है, लेकिन लग रहा है कि 90% चांसेस है कि आप लोग को मूवी 17 मार्च को ही देखने को मिल जाए। हालांकि ट्रेलर को तो अभी से ही रिलीज कर दिया गया था एंड ट्रेलर से मूवी प्रॉमिसिंग भी लग रही थी। अब देखते हैं आगे चलकर इसका जो बज है वो किस तरीके से मेकर्स बनाने में कामयाब रहते हैं। आप लोग बताना हमें से कितने लोग शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स मूवी का वेट कर रहे हो। तब तक के लिए अभी कंटली भाई इस बार के स्ट्रेंज अपडेट वाले वीडियो में बजता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। छोटी मोटी अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल के इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस ऑफ।